तकरीबन 4 महीने बाद भारतीय खरीदारों ने मलेशियाई पाम तेल की खरीद बहाल कर दी है, जो कूटनीतिक विवादों के बाद 4 महीने से थमी हुई थी। दरअसल खरीद में तेजी देसी इन्वेंट्रीज में गिरावट और छूट वाली कीमतों के कारण हुई है। मलेशिया में नई सरकार के गठन और पिछले हफ्ते वहां की सरकार की तरफ से रिकॉर्ड 1 लाख टन चावल खरीद का सौदा किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंधों में सुधार हुआ है और उसके बाद ही पाम तेल की खरीद शुरू हुई है। पिछले हफ्ते भारतीय आयातकों ने मलेशिया से 2 लाख टन कच्चे पाम तेल की खरीद का अनुबंध किया है, जो इंडोनेशिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक है। ये तेल जून व जुलाई में भेजा जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातक भारत की तरफ से खरीद की फिर से हुई शुरुआत से मलेशिया पाम तेल की कीमतों को सहारा मिल सकता है, जो हाल के दिनों में 10 महीने के निचले स्तर से ऊपर आया है। तेल की खरीद कम स्टॉक के चलते बहाल हुई है। वहीं मलेशिया के साथ भारत का संबंध भाव मार्च में नई सरकार के गठन के बाद से सुधर रहा है। मलेशियाई पाम तेल अब इंडोनेशिया के मुकाबले $15 की छूट पर उपलब्ध है। इंडोनेशिया ने सोमवार को पाम तेल निर्यात पर शुल्क $5 प्रति टन बढ़ा दिया। अगर छूट जारी रहती है तो मलेशिया से पाम तेल की भारतीय खरीद बढ़ सकती है। मलेशियाई खरीदार छूट पर भी माल बेचने के इच्छुक हैं, क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है और जून में उत्पादन में सुधार की उम्मीद है। मलेशिया पाम तेल की इन्वेंट्री अप्रैल में बढ़कर 20 लाख टन से ज्यादा हो गई, जो उम्मीद से ज्यादा था, क्योंकि उत्पादन 6 महीने के उच्चतम स्तर पर गया और कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन से मांग में सुस्ती आई। भारत एक साल में 90 लाख टन से ज्यादा पाम तेल खरीदता है और कुल खाद्य तेल आयात का करीब 2/3 है। साल 2019 में रिकॉर्ड 44 लाख टन मलेशियाई पाम तेल की खरीद हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, कम्युनिटी न्यूज़।